शहर में लगातार लंपी वायरस की चपेट में आने वाले पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लंपी वायरस एक जानलेवा बीमारी है। यह मुख्य रूप से गायों में देखने को मिल रही है। इससे संक्रमित होने वाली गायों की हजारों की संख्या में मौत हो चुकी है। संक्रमित पशु के संपर्क में आने से अन्य पशु को भी हो जाता है। इसका कोई पुख्ता इलाज अभी तक नहीं आया है। हालांकि इसका इलाज लक्षणों के आधार पर ही किया जा रहा है। लंपी स्किन वायरस एक त्वचा रोग है जिसकी वजह से पशुओं की स्किन में गाददार या डेलेदार दाने बन जाते हैं। लंपी वायरस एक संक्रमित रोग है जो एक पशु को दूसरे पशु के संपर्क में आने से फैल सकता है। इस स्थिति को देखते हुए छिंदवाड़ा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पशु मेला, पशु परिवहन, पशु बाजार पर रोक लगा दी गई है। छिंदवाड़ा जिले के सीमावर्ती सिवनी बालाघाट लगे हुए बॉर्डर को सील करके जिलाधिकारी के आदेश पर धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन पशु विभाग लाख दावा करने के बावजूद भी लंपी वायरस के पशु शहर में घूम रहे हैं। कहीं इसका खामियाजा पशु पालकों को भुगतना न पड़ जाए। यदि 70,000 वैक्सीन लग चुकी है तो फिर कैसे लंपी वायरस के पशु शहर के पीजी कॉलेज, लालबाग क्षेत्र, नरसिंहपुर नाका, कोलाढाना, अन्य क्षेत्रों में यहाँ वहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। यह सब पशु विभाग की उदासीनता का कारण है। मिले थे जटामा में, तो उसके आसपास मैंने रिंग वैक्सीनेशन करा दिया है। मैंने यहाँ से मैंने डिमांड की थी जबलपुर से वैक्सीन की, तो 50,000 वैक्सीन आ गया है और 5,000 पहले का मतलब शेष था। क्योंकि इसके पूर्व जब मतलब छिंदवाड़ा में जब LHD का प्रकोप था उस टाइम हमने 75,000 वैक्सीन बुलवाई थी, जिसमें 70,000 वैक्सीनेशन करा थी। अभी प्रेजेंट टाइम में 5,000 उसमें मतलब बचा था, 55,000 वैक्सीन अपने पास उपलब्ध है, जिसमें से अभी हमने 10,000 बिछुआ को दिया है, 10,000 चौरी को दिया, 10,000 अमरवाड़ा को दिया है और 4,000 छिंदवाड़ा को दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि सिवनी और जो बालाघाट लगा हुआ बॉर्डर है तो उसको मतलब सीमा को मतलब सील कर दिया है माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा। धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए लगा दी गई कि मान लो कोई भी जानवर मतलब सिवनी से बालाघाट से आएगा इन्फेक्टेड तो अपने ज़िले में इन्फेक्शन फैलाएगा, तो अपने ज़िले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4 जानवर थे जो मतलब सस्पेक्टेड थे, 4 का ट्रीटमेंट कर दिया, 0 है प्रेजेंट टाइम में। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए गजानन बोरकर की रिपोर्ट।